46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन गाइस, 46 सोच रहे हैं आप, 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द डेड लॉजिक। होप यू गाइस आर हैविंग एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज इफ यू डोंट हैव सप्लीमेंट और इफ यू कैनॉट अफोर्ड सप्लीमेंट्स, हाउ टू कम्प्लीट योर प्रोटीन इनटेक। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर सप्लीमेंट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग प्रोटीन इनटेक कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे दिन, या फिर जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग विदाउट प्रोटीन विदाउट सप्लीमेंट हम लोग बॉडी नहीं बना सकते या फिर मसल बिल्ड नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को ऐसे नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल प्रोटीन सोर्स बताने वाला हूँ, नेचुरल फूड जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रहता है, हाई प्रोटीन रहता है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉनवेज और वेज। नॉनवेज में आप क्या क्या खा सकते हैं? नॉनवेज में तो भर भर के लिस्ट है यार हाई प्रोटीन फूड्स के, बट मैं आपको कैलोरीज के साथ वो कैसे खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो। हमारे नॉनवेज फूड के लिस्ट में सबसे पहला आता है चिकन ब्रेस्ट, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रहता है। आप मुझे पूछोगे कितना प्रोटीन? 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में रहता है 24.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और कैलोरीज रहते हैं 145 कैलोरीज। फैट 4.2 ग्राम्स, कार्ब्स 0.2 ग्राम्स, 0.2 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, इतने कम कार्ब्स, मतलब 0 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स गाइस, और 24.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है गाइस। ये एक स्क्रूप वे प्रोटीन से भी ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबली, और जो कैलोरीज है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। कैलोरीज भी कम मिल रहे हैं, इसमें आपको प्रोटीन भी ज्यादा मिल रहा है, तो आप लोग को इसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। चिकन ब्रेस्ट इज द बेस्ट हाई प्रोटीन फूड दैट यू शुड ईट अगर आप लोग नॉनवेज है। अभी इसका क्वांटिटी कितना खा सकते हैं आप लोग? दिन में 400 ग्राम इज मैक्सिमम, उतना भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, 300-400 ग्राम इज मैक्सिमम। कैसे खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइस, नॉनवेज में हमारा जो सेकंड लिस्ट पे जो फूड है वो है मटन। मटन 100 ग्राम ऑफ मटन में आपको 294 कैलोरीज, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 21 ग्राम्स ऑफ फैट और जीरो कार्ब्स। कैलोरीज है वो थोड़े ज्यादा रहेंगे चिकन ब्रेस्ट से, 25 ग्राम्स ऑफ फैट रहेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मटन आप लोग 100-200 ग्राम्स ही खाओ दिन में, दैट इज मोर देन इनफ गाइस। आगे भी बहुत सारे जो फूड्स मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट में बहुत ही ज्यादा हाई इन प्रोटीन है, और आपको मटन जैसे कुक करके खाना है वैसे आप खा सकते हो। नॉनवेज फूड के थर्ड लिस्ट पे हम लोग का है फिश, वो है रावस। हमारे इंडिया में जो मिलता है उसको सैल्मन भी बोलते हैं, बट इंडिया में जो रावस रहता है उसका कलर और जो फॉरेन का सैल्मन का कलर थोड़ा सा अलग रहता है, मीट कलर जो रहता है वो अलग रहता है। तो इस रावस में 262 कैलोरीज रहते हैं, कार्ब्स जीरो रहते हैं, फैट्स भी 15.2 ग्राम्स रहता है, प्रोटीन 29.1 ग्राम रहता है। ये 100 ग्राम ऑफ रावस में आपको इतना सब कुछ मिलेगा, 29.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन गाइस, इवन हायर देन चिकन ब्रेस्ट। इसको भी आप जैसे कुक करके, फ्राई करके या फिर इसका करी बना के खाना वैसे खा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे अच्छा लगता है। रावस भी आप 100-200 ग्राम ही खाए दिन में, फ्रेश बॉम्बे डक, उसको हम लोग बोमबिल बोलते हैं। आप लोग 100 ग्राम ऑफ बोमबिल में आपको 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 68 कैलोरी सबसे ज्यादा लो इन कैलोरी है ये वाला, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स। ये बहुत ही लो इन कैलोरीज है बट हाई इन प्रोटीन भी है, 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड ओनली 68 कैलोरीज गाइस। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कैसे खाना है। सो गाइस, मैंने आपको जो अभी लिस्ट बताया नॉनवेज का पूरा सब कुछ प्रोटीन से भरा हुआ है एंड लो इन कार्ब्स है, तो नॉनवेज वालों आप लोग बहुत ज्यादा एडवांटेज में हो। वेज वालों डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से अच्छे फूड्स इन हाई प्रोटीन बताने वाला हूँ। सो वेजिटेरियंस गेट रेडी। तो लिस्ट नंबर 1 पे है पनीर, एज ऑलवेज पनीर। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको 282 कैलोरीज मिलेंगे, 7.6 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 22 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आई नो इसमें फैट थोड़ा ज्यादा है और कैलोरीज भी ज्यादा है, वेज वालों का थोड़ा इसमें डिसएडवांटेज हो जाता है। सो पनीर आप कैसे खा सकते हो? उसको पका के खाना है, मसाला वसा डाल के या फिर उसका करी बना के खाना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू शुड ईट मैक्सिमम 200 ग्राम्स ऑफ पनीर अ डे इज इनफ गाइस, उससे ज्यादा मत खाइए। सेकेंड फूड है टोफू। टोफू में आप लोगों को 145 कैलोरीज मिलेंगे। एक्चुअली ये नंबर 1 पे होना चाहिए यार, क्योंकि इसका कैलोरीज भी कम है और प्रोटीन भी ज़्यादा है, तो टोफू इज नंबर 1 एंड पनीर इज नंबर 2। ओके, तो टोफू में आपको मिलेंगे 145 कैलोरीज, 4.3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 5 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 15.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। गाइस पनीर को बीट कर रहा है टोफू, मतलब देख रहे हो, बट अगर टेस्ट में देखोगे तो पनीर इज अप एंड टोफू इज रियली रियली लो। इसको खाने का ही, कैसे पका के खाने का, वही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग
टोफू फर्स्ट टाइम खाते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आप उसको थोड़ा इवॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे मसाले डालने हैं या फिर कैसा पका के खाना है। थर्ड लिस्ट ऑफ वेजिटेरियन फूड विच इज सोया चंक्स, ये भी हाई इन प्रोटीन है गाइस। 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में आपको 310 कैलोरीज मिलेंगे, 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, जीरो फैट और 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन गाइस। 46 सोच रहे हैं आप, 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बट इसका कैलोरीज ज्यादा है और कार्ब्स भी ज्यादा है। आई नो आपका प्रोटीन इनटेक भी कंप्लीट हो रहा है गाइस इसमें। इसका भी थोड़ा टेस्ट में इश्यूज है, अगर आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको आपके टेस्ट के हिसाब से पकाना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा टेस्टलेस ही है। मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम्स ही खाना, उसके ऊपर मत खाना क्योंकि टेस्टलेस भी है और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा वही वही खाते हुए। अगर आप लोगों के पास सप्लीमेंट्स नहीं रहेगा तो ये सब फूड से आपको बचाने के लिए गाइस। और एग्स को तो भूलो मत यार, 1 एग में आपको 80 कैलोरीज मिलेंगे, 0 कार्ब्स, 5 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो गाइस मैंने आपको पूरे प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करना है आपके दिन में बता दिया है। सप्लीमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, कैन नॉट अफोर्ड इट, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलाय ऑन आवर नेचुरल फूड्स, दैट इज इट। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, शेयर माय वीडियो, होप यू लाइक इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस।